وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل تكريم و توقير بزرگان محترم میرے عزیز نوجوان بھائیوں میری قابل احترام بہنوں بیٹیوں آج میں اپنے بہت ہی مہربان اپنے بہت ہی شفیق بھائی سردار صابر صاحب کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ اور پھر ہمارے بہت ہی محترم قابل احترام شخصیت سردار خلیل صاحب جن کی یہ لخت جگر تھی ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ اس پورے خاندان کے ساتھ ہمی کے قلب سے کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں کلمات ہمدردی پیش کرتا ہوں اللہ رب عزت ہماری بہن کی مغفرت فرمائے اس کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے اسے جنت الفردوس مقام اور ٹھکانہ عطا فرمائے خوش نصیب ہے ہماری وہ بہن جو اپنے پیچھے حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کے گئی خوش نصیب ہے ہماری بہن جو اپنے پیچھے بہت سارے لوگوں کی دعائیں چھوڑ کر گئی خوش بخت ہے وہ میری بہن جو اپنے کردار کی وجہ سے آج ہر آنکھ میں اشک بن کر برس رہی ہے اللہ رب العزت ہماری بہن کی مغفرت فرمائے بلند آواز سے کہیں میرے قابل احترام دوستو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں پوچھا کہ تم جانتے ہو نصیبوں والا کون ہے خوش قسمت انسان کون ہے کسی نے کہا نصیبوں والا وہ ہے جسے علم زیادہ ہو کسی نے کہا نصیبوں والا وہ ہے جسے جائیداد زیادہ ہو کسی نے کہا نصیبوں والا وہ ہے جسے اولاد زیادہ ہو کسی نے کہا نصیبوں والا وہ ہے جس کی عبادات زیادہ ہو کسی نے کہا نصیبوں والا وہ ہے جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہو لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور یہی اسی سے ملتی جلتی روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے تو سیدنا علی نے فرمایا نہیں
आओ मैं तुम्हें बताऊं कि नसीबों वाला कौन है। दुनिया में सबसे खुश किस्मत इंसान वो है, नसीबों वाला वो है। हमारे यहाँ तो नसीबों का, जिस आदमी के पास हराम की दौलत ही क्यों ना आ जाए, कहते हैं बड़े नसीबा वाला है। जिसके बेटे हराम ही क्यों ना कमा रहे हो, कहते हैं बड़े नसीबा वाला है। तो सैयदना अली, जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अली इल्म का दरवाजा है और मैं इल्म का शहर हूं, तो जाहिर है कि उन्होंने जो बात फरमाई वो यूं नहीं फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं कि नसीबों वाला कौन है, खुशकिस्मत कौन है। फरमाया खुशकिस्मत वो है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्र अदा करने वाली जबान अता फरमाए, शुक्र अदा करने वाली जबान जिसे मेरा रब अता फरमा दे, वो बड़े नसीबों वाला है। और ये बहुत कम लोग हैं कि जिनको अल्लाह शुक्र वाली जबान अदा करते हैं। हम तो कदम कदम पे ना शुक्र, कदम कदम पे ना शुक्र, उसकी नियामतों को ले लेकर हमारे खा खा कर दांत घिस गए, लेकिन उसका शुक्र अदा करते हुए हमारी जबान नहीं घिसती। कदम कदम पे हम ना शुक्र हैं, और ना शुक्र इंसान अल्लाह की नजरों में गिर जाता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, आकर सवाल किया, गरीब हूं कुछ मदद कीजिए। तो रहमत दो आलम ने देखा कुछ भी नहीं है, घर पता किया, एक दिरहम मिला तो उसके हाथ में रख दिया। कहने लगा कि सिर्फ एक दिरहम, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा दर्द, एक दिरहम? कहा मियां इस वक्त तो यही दस्तियाब है, कोई खजाना छपा के तो रखा हुआ नहीं है, अभी यही दस्तियाब है, जब कभी आया तो फिर दे देंगे। उसने नाशुक्री की। थोड़ी देर गुजरी, एक और आया, उसने भी दस्ते सवाल दराज किया। कहा भाई और तलाश करो कोई घर में, एक घर में, दूसरे में, दूसरे घर से भी एक दिरहम मिला, उसके हाथ में रखा। तो वो दुआएं देने लगा, रोने लगा। तो अल्लाह के महबूब ने सोचा शायद ये भी कमी की वजह से रो रहा है, तो तसल्ली देने लगे कोई बात नहीं, कहीं से आए पैसे तो तुझे देंगे और तेरी मदद करेंगे। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपने आप को कितने नसीबों वाला समझता हूं कि मुझे महबूब दो आलम के दस्ते मुबारक से एक दिरहम तो मिला है, मैं कितने नसीबों वाला हूं कि मुझे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से ये दिरहम मिला है, मैं अपने नसीबों पर रश करता हूं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ठहरो, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। कहा भाई पता करो अजवाज के हुजरात में एक दूसरा तीसरा कुछ और भी है। अजवाज मुताहरात के मुख्तलिफ हुजरात थे। तो एक अम्मा ने कहा कि अभी किसी ने मुझे 9 दीनार अभी किसी ने हदीयतन भेजे हैं। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया फौरन लाओ, वो 9 के 9 उसके हाथ में रख दिए। फरमाया देखो वो ना कदरा था ना शुक्रा था, उसने अल्लाह को भी नाराज कर दिया, अल्लाह के नबी को भी नाराज कर दिया। इसने अल्लाह को भी राजी किया, अल्लाह के नबी को भी राजी किया, और अल्लाह ने कई गुना बढ़ाकर इसको अता भी कर दिया। तो पता ये चला सबसे नसीबों वाला इंसान वो है जिसे अल्लाह शुक्र अदा करने वाली जबान अदा करे। तो लिहाजा याद रखो, औलाद नियामत है, रिज्क नियामत है, सेहत नियामत है, अमन नियामत है, आफियत नियामत है, घर नियामत है, कपड़ा नियामत है,
और सबसे बड़ी चीज आफियत सलामती, ये नियामत है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कम अज कम रोजाना हर शख्स सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभान अल्लाह अल अजीम, सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभान अल्लाह अल अजीम। बच्चे भी पढ़े, बहनें भी पढ़े, बेटे और बेटियां भी पढ़े। देखो अल्लाह रिज़्क का दरवाजा किस तरह खुलता है, शुक्र गुजार बने। तो फरमाया पहला इंसान वो नसीबों वाला है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत शुक्र करने वाली जबान अदा करती है, और दूसरा इंसान नसीबों वाला फरमाया वो है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत याद करने वाला दिल अता फरमाता है। अल्लाह को याद करने वाला दिल, जिसको अल्लाह ने अल्लाह को याद करने वाला दिल दिया वो बड़े नसीबों वाला है। दुनिया को याद हर एक करता है, रिश्ते तो याद हर एक करता है, लेकिन वो दिल बहुत कीमती है जिस दिल में मेरा अल्लाह रहता है, जिसमें मेरा अल्लाह रहता है। वो दिल अल्लाह को बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है। इसीलिए फरमाया देखो जन्नत को मैंने तुम्हारा घर बनाया, तुम्हारे दुश्मन को यानी शैतान को मैंने जन्नत से निकाल दिया, लिहाजा मैंने अपने लिए, याद रखो मैंने भी अपने लिए घर बनाया, और वो तुम्हारा दिल बनाया, तुम्हारा दिल बनाया। तो लिहाजा मैं भी तुमसे डिमांड करता हूं कि तुम अपने दिल से मेरे दुश्मन को निकाला, मैंने तुम्हारे दुश्मन को निकाला, तुम भी मेरे दुश्मन को निकाला। तो इसलिए जो लोग अल्लाह को याद करते हैं उनको कहते हैं साहिब दिल। दिल मुर्गी में भी है, दिल हर चीज में, जो जानदार है उसमें दिल है, हर इंसान में दिल है, लेकिन उसको साहिब दिल नहीं कहते। साहिब दिल उसको कहते हैं कि जिस दिल में मेरा अल्लाह रहता है, उस दिल को कहते हैं ये बंदा साहिब दिल है। इसीलिए किसी आरिफ ने कहा था कि किस काम का वो गुल जिस गुल में बू नहीं, किस काम का वो गुल जिस गुल में भू नहीं, किस काम का वो दिल जिस दिल में मौला तू नहीं। उस दिल की कोई कीमत नहीं मार्केट में, वो दिल किसी काम का नहीं जिस दिल में अल्लाह नहीं बसता। अल्लाह कब बसता है? जब हर वक्त उठते बैठते अल्लाह 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 करता है, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जलियां ना मारो अंदर से, जलियां मार के फकीरियां ना दसो, अंदर से बात करो अल्लाह अल्लाह, दिल की गहराइयों में अल्लाह को याद करो। तो फरमाया बड़े नसीबों वाला है वो जिसे शुक्र अदा करने वाली जबान और जिक्र करने वाला दिल अता करे। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया बड़े नसीबों वाला है वो शख्स जिसे अल्लाह अपने मुल्क और अपने वतन में रोजी अता कर दे। सारी जिंदगी रिक्रूटमेंट के दरवाजों पे खड़े रहते हो कि जनाब पासपोर्ट बनवाया बाहर जुलिया, अल्लाह का शुक्र करो अगर यहां रोटी मिलती है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अपने वतन की रोटी, अपने वतन का रिस्क, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी नियामत। इस नियामत की कदर किया करो कि अल्लाह अपने मुल्क के अंदर रोजी अता फरमाए। जिन लोगों ने दियारे गैर में रोजी कमाई है उनसे पूछो कि वो
دیارِ غیر کے لمحات اور وہ دن کتنے شدید ہیں. یہاں تو آپ کہتے ہیں نا پتر باہر گیا ہوا ہے, پتر کو پوچھو باہر گیا اسے حالات گئے, وہ کس کرم میں ہے. اپنے وطن کی روزی بڑے نصیبوں کی بات ہے. یہ ہر ایک نقطہ جو ہے نا وہ پورا گھنٹوں کا بیان ہے. میں جو بات کہنا چاہتا تھا اس کی طرف آ گیا. فرمایا کہ چوتھا بڑے نصیبوں والا وہ شخص ہے, وہ شخص بڑے نصیبوں والا ہے, بڑا خوش بخت ہے جسے اللہ اپنا جیون ساتھی نیک عطا فرماتے ہیں. جسے اللہ اپنا جیون ساتھی, مرد ہے تو اسے اچھی عورت عطا کر دے, عورت ہے تو اسے صالح مرد عطا کر دے. فرمایا وہ بہت نصیبوں والا ہے. اور یاد رکھو یہ جو گھروں کے اندر آسودگی ہے وہ میاں بیوی کے مزاج کی وجہ سے. اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, بھائی بھی سن رہے ہیں, صرف اگر ایک نقطے پہ آ جاؤ گے, ایک نقطے پہ, تو گھر جنت بن جائے گا. ایک نقطے پہ, صرف ایک نقطہ جو ہے گھروں میں تباہی کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے انا, وہ ہے انا. اگنور نہ کرنا, درگزر نہ کرنا. میاں کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے قوام بنایا ہے. میں نے دیکھا کہ کمزور مرد اپنی بیویوں پہ سخت ہوتے ہیں. جس باری کو مننا چلنا نا اس نے سارا زور بیوی رکھا, جس کو بھائی کوئی نہیں پوچھتا او جناب پورا جوش اپنا بیگم پہ نکالتے. لہذا یاد رکھو اگنور, درگزر. جتنا درگزر کرتے جاؤ گے گھروں میں اتنی برکت آتی جائے گی, اتنی برکت آتی جائے گی, اتنی خیر آتی جائے گی, اتنی بہار آتی جائے گی. تو فرمایا بڑے نصیبوں والا ہے وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے صالح جانشین, صالح رفیق حیات عطا کرے. میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائی سردار صابر صاحب اس اعتبار سے خوش نصیب تھے کہ انہیں اللہ نے اپنا جیون ساتھی بہت صالح خاتون عطا کی تھی, جو تہجد گزار, جو خشیت الہی رکھنے والی, جو اللہ سے ڈرنے والی, اللہ اللہ کرنے والی. جس گھر میں اس طرح کی خاتون ہوتی ہے وہ گھر حقیقی معنوں میں بہار ہوتا ہے. میں اس مرحلے پہ اپنی طرف سے, آپ تمام دوستوں کی طرف سے, اس پورے خاندان کے ساتھ, ان کے والد گرامی کے ساتھ, ان کی والدہ کے ساتھ, اس پورے خاندان کے ساتھ کلمات تعزیت, کلمات ہمدردی, کلمات جو ہے وہ تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہماری عزیزہ کی مغفرت فرمائے, بلند آواز سے کہیں. ہر روز ہم جنازے دفنا بھی رہے ہیں, کفنا بھی رہے ہیں, اور ہر جنازہ ہمیں عملاً پیغام دے رہا ہے. پہلے یہ تھا نا کہ نوجوان یہ سوچتا تھا میں بڑا ہوں گا, بوڑھا ہوں گا, پھر مر جاؤں گا. ابھی وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ان ہفتے میں کئی نوجوانوں کے جنازے پڑھا کے آیا, بالکل نوجوان. کل پرسوں ایک 24 سال کا نوجوان اچانک الٹی ہوئی اور آن اسپاٹ ہارٹ اٹیک. کوئی پتا نہیں کس وقت تیرا میرا وارنٹ جاری ہو جائے. لہذا ہم میں سے ہر ایک نے اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص, بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے والدین انتقال کریں اور وہ اپنے والدین کو کفنائے دفنائے اور اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے.
उससे ज्यादा बदनसीब कोई शख्स नहीं, उससे ज्यादा बदनसीब कोई शख्स नहीं कि वो अपने वालिदैन को दफना भी रहा, कफना भी रहा, उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। ईमानदारी से बताओ कि कितने जनाजे पढ़े पढ़ाए, हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली है? जो बेनमाजी था क्या नमाजी बना? जो बेदीन था क्या वो दीनदार बना? जो सूद खोर था क्या उसने सूद छोड़ा? जो झूठ बोलने वाला था क्या उसने झूठ छोड़ा? कोई तब्दीली नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इधर पहले मकई होती थी ना, अभी तो मशीनें आ गई हैं, तो पहले मकई को क्या करते थे? मकई को पहले उससे दाने निकाल के बीज अलग कर देते थे, ऐसा ही है ना, बीज अलग कर देते थे। उसके बाद बाकी जो छलियां होती थी उसको क्या करते थे? उन्होंने नाल क्या करने से उठने से वो ही पता ही ना। हाँ, उनके डंडे सुट्टे कुटाई ऐसा ही था ना। तो ये जो सारे लोग मर रहे हैं, तो मुझे डर यही है कि अल्लाह बीज को किनारे कर रहा है, कहीं कुटाई का वक्त ना आ गया। मुझे डर ये है, मुझे डर ये है बाबा, क्योंकि जिस जिंदगी में हम आ चुके हैं, हमारी जिंदगी में जिस तरह का जमूद आ गया है, जमूद जामद जिंदगी, जिसके अंदर बिल्कुल किसी तरह की कोई तगैयर और तब्दीली नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। अल्लामा रूमी ने एक आयत लिखी, फरमाया कि एक शख्स को नायाब हीरा मिला, जौहरी के पास गया, कहा यार ये हीरा खरीदोगे? तो जौहरी अच्छे जमाने का था, अगर होता आज के जमाने का तो उसको ठग के कहता भाई कोई इतनी कीमती तो नहीं है, चलो दे दो ले लेते हैं। लेकिन कोई ईमानदारी का जमाना था, उसने कहा यार तो नायाब बहुत कीमती है, ये इतना कीमती है कि मेरी पूरी दुकान अगर तुम ले लो ये बदला नहीं बन सकता इसे। उसने कहा यार मैं इसको बेचना चाहता हूं। कहा ये जौहरी कोई नहीं खरीदेगा, तो इसे बादशाह खरीदेगा, तो इसे बादशाह खरीदेगा। बादशाह के पास पहुंचा, ये हीरा है मेरे पास, अगर आप लेना चाहें। बादशाह ने अपने जौहरी को बुलाया, अपने खजाने का जो जिम्मेदार था उसको बुलाया, उसने देखकर कहा बहुत नायाब हीरा। उसने कहा हमारे खजाने में जितने हीरे जवाहरात हैं, अगर सबको बदला बना दिया जाए बादशाह, तो ये इसका बदला नहीं बन सकता। बादशाह ने कहा मैं लेना चाहता हूं। तो एक वजीर बात तदबीर, उसने कहा जी मैं डील करूं, मैं डील करूं। कहा कैसे? उसने कहा अच्छा यार तुम अगर ये सौदा करते हो तो यूं सौदा करते हैं कि कल सुबह खजाने के दरवाजे खोल देते हैं, शाही खजाने के, दिन इतना बड़ा है, फजर की बात तुम आ जाओ, असर तक तुझे वक्त है, जितना खजाना उठा के ले जा सकते हो उठा के ले जाओ, जितना खजाना उठा के ले जा सकते हो उतना उठा के ले जाओ, ताकि ये और इसके बदले में ये दे दो, मंजूर है? उसने कहा ये मंजूर है। तुम्हारा आदमी था, मजबूत आदमी था, उसने कहा जनाब मनु खजाना उठा लेंगे, मसला ही क्या है? एग्रीमेंट पक्का, सौदा पक्का, दस्तखत हो गए। अब बंदा गरीब था, रात सोचता रहा यार इतना खजाना आएगा मेरा क्या बनेगा,
पूरी रात माल बनाता रहा कि यूं करूंगा, वो करूंगा, फलां होगा, फलां होगा, पूरी रात जागता रहा। यह दौलत भी ऐसी अजीब चीज थी, ना वैसा भी नहीं करनी ऐसी से वैसा भी नहीं। वह तो भुखे ने नहीं है, ना वह तो भुखे ने नहीं अश्नी, तो वह तो रजे ने नहीं। तो ये बनाता रहा मंसूबा कि जनाब किस तरह मैं सुबह खजाना लेना है। खैर रात जागता रहा, सुबह उठा, सवेरे पहुंचा तो माल के दरवाजे खुले हुए, उसको इजाजत दी गई। जो ही पहले कमरे में दाखिल हुआ तो देखा बहुत उम्दा लिबास, पोशाक है, शाही पोशाक है, लिबास। कहने लगा इतने बड़े माल में आया हूं, पुराने से कपड़े पहने होंगे, कम अज कम कपड़े तो अच्छे से पहने, ये फिर कब मिलेंगे। वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर एक सूट बड़ा कीमती। वो तो उसको सिलेक्शन में बहुत वक्त लगा, 2 घंटे तो लगा लिए इसी में। आखिर एक सूट पसंद आया, पहना, शीशे के आगे बड़ा खुश हुआ, मैं तो बादशाह लग रहा हूं यार। अब आगे बढ़ा तो अगले कमरे में खाने लगे हुए, दस्तरखान, ओ शाही खानदान, शाही दस्तरखान लगा हुआ है। ये बेचारा कल से भूखा है, रात को सोया भी नहीं है। कहने लगा कि मैंने इतना दौलत इतना उठाना है तो कम अज कम एनर्जी तो अपने अंदर पैदा करूं, खाना तो ठीक कर रखो। वो टूटा खाने पे ना, ये लिया वो लिया, खाया खाया वो दबा। अब आगे बढ़ा तो देखा एक कमरा है बहुत पुरतायुष, बेड लगा हुआ है, साफ सुथरा बिस्तर है, खादमे पंखे झील रहे। कहने लगा रात को भी नहीं सोया हूं, खाना भी खा लिया है, अगर कोई आधा घंटा कमर सीधी कर लो फिर खजाना उठाने में तो मुझे कोई देर नहीं लगेगी, फटाफट हो जाएगा सब। अब ये मिस्कीन सोया सोया रोटी इतनी खाई रहा था। तो असर के वक्त दरोगे ने बुलाकर झंझोड़ा, उठो ए, असर का टाइम हो गया। असर, असर का टाइम, मैंने तो खजाना, उसने कहा टाइम इज ओवर, खत्म है टाइम। हाँ टाइम खत्म है, कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बस। कहने लगा थोड़ा सा वक्त, मैंने तो कभी कुछ लिया ही नहीं है, मैं तो एक मोती भी नहीं ले सका हूं। कहने लगा एग्रीमेंट यही था कि सुबह से लेकर तू लिबास में वक्त जाया ना करता, खाने में जाया ना करता, आराम में ना करता, सोना चांदी उठाता, खजाना भरता, तुझे कहा यही था, तू तो अपने आराम में लग गया। जाओ निकलो इसको धक्के मार के बाहर। अल्लामा ये वाकया बयान करने के बाद फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी का 99% वक्त लिबास के तायुन में, उम्दा खाने के हुसूल में और आराम के वक्त में गुजरता है। कितने लोग हैं कि जिनका अमल अल्लाह को याद करने में गुजरता है। और फिर एक वक्त आने वाला है कि अचानक आफाकी नुमाइंदा आ जाएगा, कहेगा टाइम इज ओवर, अब वो अमाल के मोती और हीरे तुमने जो लेने थे खत्म हो गए, बस चल छुट्टी हो गई। अब ये कहेगा थोड़ा वक्त दे दो, मैं तो अभी जिक्र ही नहीं कर सका, मैं कुरान नहीं पढ़ सका, मैं नाज़रा कुरान नहीं पढ़ सका, मैं और तो दूर की बात, मैं अपना नाज़रा कुरान दुरुस्त नहीं कर सका। कहेगा 70 साल गुजारे हैं तभी कुरान दुरुस्त कर सका, अब टाइम खत्म है तेरा। मेरे भाई मुझे बताओ जब ये आवाज आएगी उस वक्त तेरा मेरा हाल क्या होगा, क्या कभी सोचा है, क्या कभी सोचा है, किस दुनिया में लगे हुए हो, खुदा का वास्ता है किस में लगे हुए हो, जिस कायनात के रब ने ये दुनिया बनाई वो क्या कह रहा है।
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جس دنیا کے لیے تم نے اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا, جس دنیا کے لیے تم نے رشتوں کو قربان کر دیا, جس دنیا کے لیے تم نے حلال حرام کی تمیز کو مٹا دیا, کائنات کا خالق رب کائنات کا مالک رب فرما رہے وما الحیاۃ الدنیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے الا متاع الغرور سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دھوکے کی پونجی یہ دھوکے کا سامان ہے. علامہ اسماعیل فرماتے ہیں مجھے متاع کا ترجمہ نہیں پتا, میں نے تحقیق کی تو پتا چلا متاع کس کو کہتے ہیں, میں نے اس کے لیے سفر کیا ایک عرب دیہات میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے اما جاء الرقیم واخذ متاعی وصعد علی الجبل کہ ایک کتا آیا اور اس نے ہماری متاع لے لی, تب مجھے سمجھ میں آئی کہ متاع کس کو کہتے ہیں, چولہے کے قریب جو ٹاکی ہے جس سے چولہے کے گرد صفائی کی جاتی تھی اس کو متاع کہا گیا. رب العالمین نے فرمایا یہ دنیا متاع ہے اور پھر متاع بھی ایسی نہیں, متاع دھوکے کی متا دھوکے کی پونجی. میرے قابل احترام بزرگ میں اس وقت تڑپ جاتا ہوں, میں اس وقت رو پڑتا ہوں, اس لیے کہ جب کسی آرکیٹیکٹ نے کسی انجینئر نے اگر گھر بنایا, انجینئر کافر سکھ ہے یہودی ہے نصرانی ہے ہندو ہے, گھر بنایا عمدہ گھر بنایا تمہاری آنکھوں کے سامنے بنایا, بنانے کے بعد پوری طرح کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے دروازے پہ بورڈ لگا دیا لوگوں اس گھر میں دھوکہ ہے, گھر بنایا تمہاری آنکھوں کے سامنے باہر بورڈ لگا دیا تختی لگا دی لوگوں اس گھر میں دھوکہ ہے, میں گھر بنانے والا کہہ رہا ہوں. سچ بتاؤ کوئی گھر لینے کے لیے تیار ہوگا؟ تیار ہوگا؟ سستے داموں دے تب بھی کوئی تیار نہیں. اس وقت دل رو پڑتا ہے کہ اگر یہ بات یہودی کہتا ہے گھر بنا کر, نصرانی کہتا ہے گھر بنا کر اس کی بات پہ اعتماد کر کے ہم اس کے خریدار نہیں بنتے, کائنات کا رب دنیا بنا کر کہہ رہا ہے اس میں دھوکہ ہے ہم اس کے خریدار بنے ہوئے ہیں. یہ نقطہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یہ نقطہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کائنات کا رب فرماتا ہے دنیا میری نظروں میں اتنی حقیر ہے, اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. لیکن آج ہم سارے کے سارے دنیا کے لیے رل رہے ہیں, دنیا نے اپنے جادو میں ہمیں جکڑا ہوا, اس لیے عارف نے کہا کہ رنگ رلیوں کے زمانے پہ نہ جا اے دل, سبحان اللہ سبحان اللہ, رنگ رلیوں کے زمانے پہ نہ جا اے دل, یہ تو خزاں ہے جو اندازے بہار آئی, یہ خزاں ہے اس نے باہر کے کپڑے پہنے ہوئے, اس کے پیچھے بڑی دردناک خزاں ہے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو, میری عزیز بہنوں بیٹیوں, اگر آج ہم اپنی بہن کی
इस ताज़ियती प्रोग्राम में इसी नुक्ते को समझ जाए, आज हमारी जिंदगियों में सिर्फ इतनी तब्दीली आ जाए कि आज के बाद हम में से हमारा बहन भाई जो नमाज में सुस्ती कर रहा था पाबंद सलात बन जाए, जो सूद खोर था वो तोबा कर ले, जिसके जबान पे अल्लाह का जिक्र नहीं था उसकी जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए, जो नबी पे दुरूद व सलाम नहीं पढ़ता था वो नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ने वाला बन जाए, जो नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक को और आपके उसवाए हसना को अपनाने वाला नहीं था उसकी जिंदगी में नबी के खुल्क पैदा हो जाए। अगर ये अमली तौर पर हमने कर दिया तो हम कामयाब हैं, और अगर ये ना कर सके दीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता तेरा मेरा हश्र हो जाएगा, दीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, टाइम इज ओवर का जब नारा लगेगा ना, आफाकी नुमाइंदा किसी दिन पहुंच जाएगा, फिर शायद हमें एक जुमला और एक कलमा कहने की भी फुर्सत ना मिले। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का घर है, बाहर बेवड़ी है, बड़ा गेट लगा हुआ है जिसको कोई क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता। आप घर में पहुंचे, एक बड़ा खूबरू नौजवान देखा दरवाजे के अंदर खड़ा है, हैरान हुए कि ये कहां से आया, गेट बंद है, कैसे आ गया, किस पर आ गया। पहले घर वालों ने नौजवान को देखकर कहा जल्दी से निकलो, सैयदना दाऊद आते होंगे तुझे कत्ल कर देंगे, तुम घर में दाखिल हो गए। कहा मैं उनसे बात कर लूंगा, आप परेशान ना। दाऊद अलैहिस्सलाम आए तो देखा, पूछा कौन हो, क्यों आए, कैसे आए। कहने लगा अल्लाह के पैगंबर मैं इजराइल हूं, मैं इजराइल हूं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, आप इख्तियार इस्तेमाल करें, दुनिया में रहना चाहें तो बताएं कितना रहेंगे, अगर नहीं है तो फिर आपकी रूह कब्ज करने का वक्त आ गया। अच्छा तो फिर मैं अंदर चलूं, बिस्तर पे कार नहीं, हुक्म है इन्हीं सीढ़ियों पे, हुक्म है इन्हीं सीढ़ियों पे, इन्हीं सीढ़ियों पे, उन्हीं सीढ़ियों पे रूह कब्ज, टाइम इज ओवर। इसलिए मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों, आओ जहां हम अपनी बहन के लिए ताजियत करते हैं, उलमाए किराम यहाँ तशरीफ लाए, हमारे बहुत ही मेहरबान भाई, हमारे बहुत ही काबिल कदर काबिल एहतराम भाई रावलपिंडी से तशरीफ लाए, और उन्होंने अपने मुवाइज़ हसना से आपको नवाजा। हमारे कारी सजीर साहब वो बयान कर रहे थे, हमारे बहुत ही मेहरबान हकीकी मानों में मेहमान है कारी जहांगीर साहब, वो तशरीफ लाए और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये सारे लोग हमारा गम बांटने के लिए आए, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ख़ानदान पे खुसूसी करम फरमाए, और ये उलमा के साथ वाबस्ता रहने वाला ख़ानदान, ये उलमा के साथ हमेशा वाबस्ता रहने वाला ख़ानदान। और आखिरी बात क्या कहूँगा कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ मोहब्बत रखने वालों, सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह तआला ने एक अजीब बात फरमाई, एक बहुत अजीब बात फरमाया कि अपनी ज़िंदगी में किसी साले आबिद नेक इंसान को अपना दोस्त बना लेना, अपनी दुनिया की ज़िंदगी में किसी साले आबिद नेक इंसान को अपना दोस्त बना लेना, अगर रोज़ नहीं हफ्ते में सही उसके साथ रबते में रहना। फरमाया कि ये दोस्ती जो अल्लाह के लिए है ये सिर्फ दुनिया में नहीं है, ये आखरत में भी काम आएगी। फरमाया कि जब
वो सारे इंसान जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा तो पूछेगा मेरा दोस्त नजर नहीं आ रहा, जन्नत की कतारों में मेरा दोस्त नजर नहीं आ रहा, तो उसे कहा जाएगा कि वो अपने नालायकियों की वजह से जहन्नुम में है। तो इल्तिजा करेगा रब्बुल आलमीन, उस जन्नत में क्या लुत्फ है जिसमें मेरा वो दोस्त नहीं जो दुनिया में हमेशा मेरे रास्ते में रहता था। तो अगर मेरी दरख्वास्त कबूल करें, उसकी जहन्नम को जन्नत से बदलने तेरा काम है। अल्लाह फरमाएंगे हाँ मैंने तेरी इस दरख्वास्त को कबूल किया, जाओ फरिश्तों उसको जहन्नम से निकालो। तो फरिश्ते पूछेंगे, उसको निकालेंगे तो जहन्नमी पूछेंगे कैसे तुम्हारी जहन्नम जन्नत से बदली, क्या किसी नबी ने तेरी सिफारिश की, क्या किसी सहाबी ने तेरी सिफारिश की, क्या किसी फलाह ने तेरी सिफारिश, कहेगा नहीं नहीं एक नेक अल्लाह वाले ने मेरी सिफारिश की, अल्लाह ने उसकी सिफारिश के बदले में मेरी जहन्नम को जन्नत बना दी। इसलिए कूनू मअस्सादिकीन, सारे लोगों के साथ दुनिया में भी रहो आखिरत में भी रहो, शायद यही काम आए, अपने पल्ले तो कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब के आने को, हम सब के सुनने और सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।